प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की देपालपुर के 24 अवतार मंदिर में आयोजित शिव महापुराण कथा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां उन्होंने व्यासपीठ का पूजन किया व भगवान भोलेनाथ और मीठे रस से भरियोरी जैसे भजनों की प्रस्तुति दी, जिसमें लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाए और हर कोई भक्ति में झूमता नजर आया। 24 अवतार मंदिर में 11 रुद्र मंदिर निर्मित विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। वहीं कथा में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं कथा में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे और उन्होंने भी मंच से भजनों की प्रस्तुति दी, जिसमें हर कोई झूमता नजर आया। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह गुरुदेव की तपोस्थली है, जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा तीर्थ बनने वाला है। जहां मुझे यहां इंदौर से आने में पहले 30 मिनट लगा करते थे, वहीं आज यहां पहुंचने में करीब 130 मिनट लगे हैं और करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वहीं मंच से पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि कथा में जो कार्य कर रहा है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू जागरण मंच व बजरंग दल के कार्यकर्ता सेवा दे रहे हैं, जो कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और जनभक्ति को समर्पित है। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मानव समुद्र में मैंने देखी, जिस प्रकार समुद्र लहरें लेता है उसी प्रकार मनुष्य का समुद्र में यहाँ लहर लहरा था भक्ति रस की गंगा में। और महाराज जी का बड़ा पुण्य प्रताप है और यहाँ जो 24 अवतार मंदिर के श्री मनोज पटेल जी और चिंटू जी के माध्यम से जो इसके विस्तार की योजना की है, विशेषकर 12 रुद्र मंदिर की जो स्थापना का संकल्प लिया है, और इसमें मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी लोग इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देपालपुर का ये स्थल मालवा की एक बहुत अच्छा धर्म क्षेत्र बनेगा, एक पुण्य भूमि बनेगा, क्योंकि परम पूज्य गुरु जी ने नर्मदा जी के किनारे बैठकर बहुत साधना की और उनकी इच्छा यहाँ पर सार्थक होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मेरी ओर से आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और सब इस धर्म का लाभ छोड़ो पाने। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।